नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देख लिया होगा, बेसिक इंग्लिश ग्रामर डे वन है। आज मैं ये सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। 30 दिन की सीरीज होने वाली है। आपको इसमें 30 वीडियोस मिलेंगी लगातार, हर दिन आपको 6 बजे आपको वीडियोस मिलेंगी है, जिसमें मैं आपको कराऊंगा। इसमें सबसे पहले मैं कराऊंगा आपके वो बेसिक इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको इंग्लिश सीखने में आपकी ज़रूर मदद करेंगे, क्योंकि जो ज़्यादातर वर्ड्स आपकी इंग्लिश में आप देखोगे वो इन्हीं वर्ड्स को देखोगे जो बार बार इस्तेमाल होते हैं। एटलीस्ट आपको इनका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कैसे एग्जांपल, जैसे आई, मी, यू, योर, हाउ, व्हेन, जैसे कि गो, कम, ईट, ड्रिंक। तो ये सारे शब्द क्या है, बेसिक इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिनकी जानकारी आपको इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश में इनकी जानकारी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इंग्लिश समझने में, बोलने में और लिखने में, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे टेंसेस की। टेंसेस से क्या होगा, टेंसेस से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस आपको किस समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि आप फ्यूचर में बोलना चाहते हैं, आप प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं या आप पास्ट में बोलना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं खाना खा रहा, अगर मैं बोलूँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग यू, मैंने पढ़ाया था तो आई टॉट यू। तो इस तरह से क्या होगा, मैंने अगर पास्ट में बातें बोलनी है तो मेरे को टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो टेंस की नॉलेज के लिए हम क्या करेंगे, हम मैं आपको इसी 30 वीडियोस की लेक्चर में आपको मैं टेंस भी सिखाने वाला हूँ। फिर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की इतनी नॉलेज आपको इनफ हो जाएगी जो आपको इंग्लिश बोलना लिखना समझना आ जाए। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इतने डीप में नहीं घुसेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इनफ रहती है। हम सिर्फ इतना करेंगे कि हमारा जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, जो आप 30 दिन का जो टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, 30 दिन लगातार आपके पास वीडियो आएंगी, आपको लगातार वीडियोस देखनी है जिनमें आपको ये कवर करने वाला हूँ। फिर हम बात करेंगे वॉइसिस की। फिर उसके बाद में आपकी इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगी, आपको इंग्लिश हल्की हल्की बोलनी आ जाएगी और आपको इंग्लिश हल्की हल्की लिखनी भी आ जाएगी। लिखना पूरा आ सकता है और समझना पूरा आ सकता है, लेकिन बोलने के लिए आपको आपकी अपनी मेहनत लगेगी, क्योंकि आप जब आप इंग्लिश बोलने की जब प्रैक्टिस लगातार करोगे तो आप इंग्लिश भी बोलना सीख जाओगे, ठीक है। तो ये डे वन है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा आज की क्लास। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एकदम इंग्लिश की, एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले थे, इसलिए मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं हमें पता है, A to Z। अगर कोई भी यहाँ पे इंग्लिश सीख रहा है तो आप सबको पता होगा कि आपको ये A to Z क्या है। ये A to Z हमारी साउंड्स होती है, आ, बा, सा, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। तो ये क्या होती है, अपनी अपनी साउंड होती है, A B C D E F G H I J। तो ये क्या होती है, ये साउंड होती है। इन साउंड्स को आप दो साउंड्स को जोड़ते हो तो एक शब्द बनता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने बोला मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने, ठीक है। तो ये क्या है, एक शब्द है। तो दो साउंड से मिलकर या तीन साउंड से मिलकर एक शब्द बनता है। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, मैंने, ठीक है। आपको समझ में आया, जैसे मैंने लिखा, मैंने को बोल रहा है अपना नाम लिखना है, संजीव। तो ये संजीव, ये क्या है, साउंड ही तो है, ये साउंड को मिलाकर ही तो एक शब्द बना है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, संजीव, ठीक है। तो अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, साउंड्स है। अब इन साउंड्स को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, तो पहला हमारा होता है कॉन्सोनेंट, पहले होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा वाउल्स। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाउल्स इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो ये मात्राएं हैं, ये जो मात्राएं हैं, मात्रा को हिंदी में मात्राएं और इंग्लिश में ये वाउल्स ही मात्रा को काम करते हैं। जैसे कि पहले मैं बता दूं वाउल्स कितने होते हैं, ये आपको 5 होते हैं, यही आपको याद रखने हैं, A E I O U। आपको इन्हीं के बारे में नॉलेज चाहिए, आपको इन्हीं की नॉलेज, अगर आपको इंग्लिश लिखनी है और सही इंग्लिश लिखनी है, मतलब स्पेलिंग भी सही आपको लिखनी है, तो आपको इन्हीं की वाउल्स का इस्तेमाल करते हुए आप इंग्लिश सही से लिख पाओगे। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक शब्द लिखूं, जैसे मैंने लिखा, मैं आपका नाम लिखते हैं, जैसे मैंने बोला राजेश, मैंने लिखा राजेश, ठीक है, राजेश। तो राजेश कैसे लिखेंगे, R A J E S H। अगर हमें यही नहीं पता कि हम इसको लिखेंगे कैसे, तो आप रिटन इंग्लिश कैसे सीख पाओगे, ठीक है। पहले तो आपको स्पेलिंग में, आपको थोड़ी बहुत आपको स्पेलिंग आनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि वाउल्स, ये क्या है, वाउल्स हो गए, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। इनके अलावा जो भी ABCD में बचा अल्फ़ाबेट्स में, जो भी हमारे 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं और हमारे 5 हमारे वाउल्स होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया।
अब बात करते हैं बेसिक इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, जो इस वीडियो में आपको मैं बात कर रहा था, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको वर्ड्स की नॉलेज कितनी होनी चाहिए। अब देखो, वर्ड्स की नॉलेज तो हमें पता है 100,000 से ज़्यादा वर्ड्स हैं हमारी इंग्लिश डिक्शनरी में। क्या हमें सारे चाहिए इंग्लिश बोलने समझने लिखने के लिए? नहीं, हमें सारे नहीं चाहिए। हमें एटलीस्ट कम से कम 1500 वर्ड्स चाहिए जो हम आसानी से इंग्लिश बोल सकें और दूसरों को अच्छी तरह समझा सकें, क्योंकि हम इंग्लिश बोलते वक्त या लिखते वक्त हम कॉम्प्लिकेटेड शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हीं वर्ड्स की हम डिस्कस करने वाले, उनमें से कुछ 200-300 वर्ड्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक है, आने वाले कुछ वीडियोस में। फिर उसके बाद हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइसेस, और आपको इंग्लिश लिखना बोलना समझना भी आने लगेगा, ठीक है। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, मैं इस वीडियो में बात करूंगा किसके बारे में? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन आखिर होते क्या हैं? देखो, ये शब्द आपने हमेशा सुने होंगे, इंग्लिश में देखे भी होंगे, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, एनी नेम या कोई भी नाम, ठीक है। अब इनका मतलब क्या होता है, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे आपको सेंटेंसेस देख रहे हैं, तो इन सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ समझाने वाला हूँ, तो ज़रा वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। देखो, फर्स्ट पर्सन, पहली बार पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल, देखो ये आप नाम, यहाँ पे नाम पे मत जाओ, मैं यहाँ पे सिंपल बताऊंगा कि इनका यूज़ क्या है। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, ही का मतलब वह, शी का मतलब वह, दे का मतलब प्रू, दे का मतलब दे हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दे हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हम बहुत सारे जनों की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं प्लूरल नाउन है। अब देखो, प्लूरल सिंगुलर मैं इसमें वीडियो में बता देता हूँ कि देखो, सिंगुलर का मतलब जब एक जने की बात हो रही हो, प्लूरल मतलब जब दो जनों की, दो या दो से ज़्यादा जनों की बात करें हम प्लूरल उसको बोलते हैं। जैसे हम बात करेंगे, देखो अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं, तो मैं क्या है, सिंगुलर है, तो आई सिंगुलर होता है, लेकिन वी, वी माने हम, वी माने हम, तो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, देखो आई का मतलब मैं, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, तो ये हमारा ये प्लूरल है, ठीक है, और ये हमारा सिंगुलर है, तो याद रखना वी हमारा, वी माने हम। जैसे कि मैंने बोला वी वर देयर, हम वहाँ थे, हम वहाँ थे। अब इसने ये देखो, आई, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, ठीक है। अब आप समझ, आप अब जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही होगी तो वो कह रहे होंगे, यार ये क्या लिखा है, यहाँ पे एम क्यों आया, यहाँ पे वर क्यों आया, यहाँ पे आर क्यों आया, यहाँ पे इज क्यों आ रहा है, ठीक है। अभी धीरे धीरे रुक जाओ, आने वाली वीडियोज में सारी चीज़ें कवर कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो यू का मतलब क्या होता है, तुम। सीमा फिलहाल अभी के लिए आपको सिर्फ इन शब्दों की मीनिंग आपको अपनी कॉपी में लिख लेनी है और साथ के साथ ये सेंटेंस भी लिख लेने हैं, और अगर आपको इनकी हिंदी पता है तो हिंदी लिख लो, नहीं तो जो मैं बोल रहा हूँ आप वो लिख लो, ठीक है। जैसे कि आई मतलब आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, वी वर देयर, हम वहाँ थे, ठीक है। देखो यहाँ पे इसके लिए हमने बोला थे, इसके लिए बोला हमने हे है, ठीक है, मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मैंने इसके लिए मैंने क्या बोला, हूँ बोल दिया मैंने, वी वर देयर, हम वहाँ थे, यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम अच्छे स्टूडेंट हो, ही इज़ नॉट हेयर, वह यहाँ नहीं है। देखो यहाँ पे ही के साथ इज आया, शी के साथ यहाँ पे हैज़, अभी हैज़ का क्या रोल है, इसका एक रोल है, मैं सब बताऊँगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। फिलहाल हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ही का मतलब वह होता है, शी का मतलब वह, ये आता है फीमेल्स के लिए, मतलब लड़कियों हो या औरत हो, शी उनके लिए आता है। अगर ही की बात करें, मेल के लिए आता है, लड़का हो या फिर आदमी हो, हम उसके लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि वह कहाँ है, वेर, वेर इज़ ही, ठीक है, तो ही इज़ नॉट हेयर, वह यहाँ नहीं है। शी हैज़ अ कार, उसके पास कार है। दे हैव डन दिस वर्क, ये काम उसने किया है। दे, देखो दे कौन है, वे मतलब वो, दे मतलब हिंदी में हम इसे बोलते हैं इसको वे, ठीक है। दे हैव डन, उन्होंने ये काम किया है, ठीक है। इट, इट के, इट किस लिए इस्तेमाल होता है, इट इस्तेमाल होता है जानवरों के लिए या कोई नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इट इस्तेमाल करते हैं। और कोई भी नाम आपको पता ही, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है संजीव इज़ अ गुड मेंटर, संजीव एक अच्छा मेंटर है। मैं टीचर नहीं बोलूँगा अपने आप को, मैं एक मेंटर बोल सकता हूँ या मैं आपको एक गाइड बोल सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको जो चीज़ें मेरे को पता है वो मैं आपको सामने यहाँ पर रख रहा हूँ, आप मुझसे ज़रा थोड़ी बहुत चीज़ें सीख लीजिए जो आपके काम में आए, ठीक है। तो दे हैव डन दिस वर्क, शी हैज़, अब देखो अब बात कर लेते हैं, मैंने इनकी बात कर ली। अब मैंने ये नहीं बताया कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन क्यों लिखा है, यहाँ सेकंड पर्सन क्यों लिखा है, थर्ड पर्सन क्यों लिखा। फर्स्ट पर्सन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो देखो मैं बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, मैं पहला पर्सन, मैं अपने आप को पहला पर्सन बोलूँगा। अब तुमसे बात करो, तुम सेकंड पर्सन हो जाओगे, आई, मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तुम, ठीक है। और थर्ड पर्सन को जिसके बारे में बात होगी, जो यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो तीसरा बनता है जिसके बारे में कोई बात हो रही है वो हमारा थर्ड पर्सन होता है, ठीक है।
मैं हमेशा अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मैं पहला हूँ, तुम दूसरे हो, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो तीसरा बंदा है, ठीक है। तो आई सिंगुलर, आई अगर हम प्लूरल की बात करें तो आई के ये फर्स्ट पर्सन में हमारा वी हमारा प्लूरल फॉर्म आ जाएगी, मतलब एक से ज़्यादा बंदों की बात करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सेकंड पर्सन में तो तुम हो या तुम सारे हो तो हम यू का इस्तेमाल ही करते हैं। थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो ही और शी और इट ये हमारे सिंगुलर हैं और दे हमारा प्लूरल होता है, ठीक है। मतलब दो से ज़्यादा की बात करेंगे तो दे हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। और कोई भी नाम हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है। अगर दो नाम एक साथ जुड़े होंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, जैसे कि संजू एंड मनीषा, तो ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए, ये शब्द क्या हो गए, प्लूरल हो गए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे प्लूरल, दे हमारा प्लूरल है। तो मैं यहाँ पे अगर अलग से मैं लिख दूँ तो हमारे, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो अगर मैंने बॉक्स बना दिया है मैं यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप लिख लीजिएगा। जो प्लूरल होंगे तो वो अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर होता है, ये हमारा प्लूरल होता है, ठीक है, ये सिंगुलर है, सॉरी ये प्लूरल हो गया और ये हमारा सिंगुलर हमारा आई हो गया, ठीक है। और जो हमारा सेकंड पर्सन है ये फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन की बात करें तो यू दोनों में होता है, सिंगुलर के इस्तेमाल भी करते हैं और प्लूरल के इस्तेमाल भी करते हैं। अब हम सिंगुलर की बात करेंगे थर्ड पर्सन में, ठीक है, तो ये हमारा ही हो जाएगा, शी हो जाएगा और इट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात करें तो प्लूरल में हमारा खाली एक आएगा, दे, ठीक है। इनका मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, कि देखो मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखे एम, वर, आर, इज, हैज, हैव, हैज, इज। अब इनका ये इनका रोल किसी के साथ इज आ रहा है, किसी के साथ हैज आ रहा है, किसी के साथ हैव आ रहा है, किसी के साथ वर आ रहा है, तो ये कैसे, अब आपको ये सब परेशान कर रहा होगा, तो हमें परेशान होने वाली बात नहीं है, कि आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इसी के ऊपर होगी। इन्हीं शब्दों की नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ और इसके साथ में हम कुछ और एडिशनल वर्ड्स की बात करेंगे जो आपकी हमारी डे टू की क्लास होगी, ठीक है। तो 15 से 20 मिनट का पहला डे हम रखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम बढ़ाएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि क्लासेस क्या होंगी, छोटी छोटी होंगी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होगी उनमें काफ़ी ज़्यादा होगी, जो आपके काम में हमेशा आने वाली है। चलो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बाय बाय। अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगा, मेरा पढ़ाने का तरीका, आपको बताने का तरीका आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना और दोस्तों में शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जैसा आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ऐसा आपके दोस्त भी चाहते होंगे, और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये वीडियोज़ अलग अलग दोस्तों पर पहुँचे, अलग अलग मेरे छोटे बहन भाई पर पहुँचे, या बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी हो, सब देख सकते हैं, सब समझ सकते हैं, ठीक है। चलो इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, थैंक यू सो मच, बाय।